सो गाइस मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अगर आपने कोई भी वीडियो YouTube पे अपलोड किया है और वो आप वीडियो आपके जैसे कि YT स्टूडियो में पब्लिक नहीं यानी कि प्राइवेट है वो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे YT स्टूडियो में एक वीडियो मैंने प्राइवेट कर रखा है और ये वीडियो मैंने गलती से जैसे कि गैलरी से डिलीट कर दिया है या फिर आपके भी कोई भी वीडियो डिलीट हो गया है तो यहाँ पर आपके प्राइवेट हैं और आप क्या करना है जैसे कि जो भी वीडियो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे YouTube का उसमें क्लिक करोगे तो ये वीडियो चल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है वीडियो नहीं चलता, तो क्यों नहीं चलता है दोस्तों, आप क्या गलती करते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे यहाँ पे जैसे कि YouTube पे और आपके दूसरा चैनल लॉगिन होता है तो दोस्तों आपको उस चैनल को यहाँ पे जैसे कि आप जैसे कि YT स्टूडियो पर क्लिक करोगे, इस वीडियो में क्लिक करूँगा दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरीके से दिस वीडियो प्राइवेट है इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों। तो मैं जैसे कि आप जाऊँगा वापस से YouTube पे और दूसरा चैनल लॉगिन कर लूँगा, तो जैसे कि वीडियो स्किप कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे ये दूसरा चैनल लॉगिन हो चुका है। अब जैसे कि मैं वापस से YT स्टूडियो में जाऊँगा और जैसे कि मैं इसे देखना चाहता हूँ कि ये किस टॉपिक के ऊपर है वीडियो, तो इस तरीके से ये आप ये आ चुका है देख सकते हैं दोस्तों, ये प्राइवेट था तो भी चल गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को चला सकते हैं, देख सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर है, फिर आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी ट्रिक दोस्तों, अगर वाकई में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद वंदे मातरम।